सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का किस्सा 14 जून से अब तक जहां पहुंचा है इतने उतार चढ़ाव के बाद, तो इस पर ना बोलना आंख मूंदने वाली बात है। बहुत दिनों तक मैं नहीं बोला, या शायद बहुत सारे लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं बिकॉज समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलें, लेकिन अब जो स्थिति नजर आ रही है उसमें बिना किसी को दोष दिए हुए इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको एक लॉजिकल एंड तक तो लेके जाएं। एक सहकलाकार होने के नाते, एक को-एक्टर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, हम सब ने उसकी प्रशंसा की और उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस समय चुप रहना जरूरी नहीं कि हमें किसी को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन उसको उसकी मौत का एक, उसकी मृत्यु का एक लॉजिकल एंड, जैसा कि मैंने कहा, बहुत जरूरी है। वो कैसे हो सकता है, उसके उसको उसमें कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है, इसका फैसला तो होना चाहिए। ना वो केवल मेरा, ना सिर्फ उसके फैंस का, ना कुछ एंकर्स का, ना 50,000 थ्योरीज हैं, हम उनसे एग्री करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन इतना तो बनता है कि हम ये तो बात पूछें कि भाई जो भी हो रहा है उसका एक अंत तो होना चाहिए। उनके माँ बाप के साथ, या उसके भाई भाइयों के साथ, या बहनों के साथ, या उसके रिश्तेदारों के साथ, या उन तमाम लोगों के साथ जो उसकी गुहार कर रहे हैं इंसाफ की, उनको तो हमको महसूस कराना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। आंख मूंदना जो है वो कायरता की निशानी है, और कायर होना अच्छी बात नहीं है।